अस्सलाम वालेकुम। मैंने 97 तांदल्या वाला के गांव के अंदर हम मौजूद हैं। गांव का माहौल है इर्द गिर्द इस वक्त हुमायूं अख्तर खान और इनके बाकी सपोर्टर्स इस इलाके में घूम फिर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बाद में अली गौहर बलोच जो है उनका भी इंटरव्यू करें, लेकिन इस इलाके के अंदर कमाद के इस वक्त जो रेड़े हैं ना, किसी को बैल लेके जा रहा है, किसी को ऊंट लेके जा रहा है, और बड़ी तादाद में ये गाँव के लोग हैं वो इस जलसे को, इस रैली को सपोर्ट करने के लिए बाहर मौजूद है। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो मुकामी टच है दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। कहीं साइड पे बैठे, आज क्योंकि बादल भी हैं, सर्दी का मौसम है, तो उन्होंने आग सुलगाई हुई है, आग सुलगा के बैठे हैं। कई ये कमाद की रेड़ी हैं, तो कमाद के रेड़े हैं बकायदा बड़े बड़े, तो गन्ने के वो ढेर लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी एक बैल लगा के आगे जा रहा था, अभी ये ऊँट लेकर जा रहा है। तो कोशिश करूंगा जितना लोकल कलर आज आपको दिखा सके सारा दिखाएंगे। अभी चलते हैं, ये रैली चल रही है आगे। हुमायूं अख्तर खान और नीचे उनके जतोई एमपी हैं, उनका एक मुकामी जलसे से खिताब है, वहां लेकर चलते हैं। दोनों से आपको इंटरव्यू सुनवाएंगे और उसके बाद अली गौहर बलोच के पास चलेंगे। यहां से आगे चलते हैं। NN97 ये देहाती इलाके के अंदर हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे लगता है कि सपोर्ट मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। हमने जहाँ से शुरू किया था 596 गांव बे से, वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं। ये एक रैली की शक्ल में हुमायूं अख्तर खान और इनके साथ सिकंदर हयात जतोई साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इर्द गिर्द देहात के जो लोग हैं, बज़ाहिर तो तासुर ये मौजूद है कि इनकी सपोर्ट मौजूद है। कुछ लोगों ने कहा कि हम PTI को वोट करेंगे, लेकिन कैमरे के ऊपर आके बहरहाल वो बोलने पे तैयार नहीं हुए। लार्जली जो रैली के इर्द गिर्द जितने हमें लोग मिले हैं, वहाँ सपोर्ट इनकी और किसी हद तक नून लीग की मिली है। यहाँ बताइए हुमायूं साहब, आपके लिए ये नया हलका है, आप इस हलके में आने का फैसला कैसे किया? नदीम साहब, मेरे लिए सियासी तौर पर नया हलका है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं, क्योंकि 32-33 साल से मेरी इधर एक शुगर मिल है, मेरी और जिलों में भी है, लेकिन सबसे पहली मैंने फैसलाबाद में बनाई थी तांदियावाला शुगर मिल पूरी, और वो पूरी तांदियावाला तहसील, जड़ावाला, समुंदरी तहसील, ऊपर फिर कमालिया साइड से हमारा जितने भी काश्तकार हैं उनसे 30-35 साल से रबता है, उनसे हम गन्ना खरीदते हैं। इस इलाके के 3-1 हज़ार बच्चे लोग हमने हायर किए हुए हैं अपनी एक इस यूनिट में, तो एक हमारी गन्ना खरीदते भी इधर से होंगे, तो फार्मर से भी इंटरेक्शन होगा। वही ना जी, तो मतलब हर दाएं बाएं कमाद भी और सोयाबीन भी बहुत ऐसे लगे जी जी, हम मतलब हर घराने से एक ताल्लुक हो जाता है ना, वो हमसे मशवरा करके लगाते हैं, फिर हम हमसे बीज लेते हैं, फिर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं खाद के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, फिर हम उनका गन्ना उठाते हैं, तो एक ताल्लुक है जी, बड़ा जनरेशन का, नस्लों का ताल्लुक होता है। इस दफ़ा जी मैंने फैसला इसलिए किया कि आपको मालूम है कि मैं समझता हूँ कि मेरे जो पुराने लाहौर के हलके हैं उसमें कन्फ्यूजन है, अफरा तफरी का आलम है, और इधर जो लोकल सियासत बन रही थी उसमें जो जो बलोच बरादरी डम ये जो कंजवानी के बलोच और ये तानियावाला के बलोच ये जो डोमिनेट कर रही थी, उनमें नातफाकी है। और एक तो जब बहुत अरसे को रह ले तो एक रिएक्शन भी होता है, तो बहुत रिएक्शन भी है और फैमिली में नातफाकी भी है, तो इसी वजह से मैंने आने का फैसला किया। और मेरे जो विंग हैं सरदार सिकंदर हयात खान जतोई, वो भी बलोच हैं, लेकिन इसमें जो मेरा जड़ावाला का इलाका है और साथ जो तानियावाला में बलोच और जो लोकल्स हैं खरल वट्टू फतियाने, उसमें सरदार साहब की बड़ी सपोर्ट है, इस वजह से हमने इधर आने का फैसला। अगर ये लोग आपको मुंतखब करते हैं, क्या फ़र्क लाएंगे इस इलाके में? नदीम मलिक साहब, देखिए ये इलाका आपने देखा ही होगा, ये अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये जड़ावाला तहसील की सड़क है। अगर आप तांदियावाला तहसील में जाएँ तो ये मेरा ख्याल ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पंजाब की पसमानदा तरीन तहसीलों में से है। इधर जो भी सड़कें थोड़ी बहुत बनी हैं वो शुगर मिल के सस्पेंड से बनती हैं, और इधर
जो 76 साल से जिन लोगों की जो MNA MP इलेक्ट हुए हैं उनके खिलाफ बड़ी आवाज़ है, इसी वजह से कि पसमानगी बहुत है, गुर्बत बहुत है, ये चीज़ें हमने दूर करनी है। आपको मालूम है कि लाहौर में मैंने बड़े बड़े मुश्किल और पसमानदा इलाके अल्लाह की मेहरबानी से जीते और उसको बिल्कुल उनका नक्शा बदल के रख दिया। वही काम हम इधर करेंगे। हम इधर किसानों के लिए हमारे बड़े मंसूबे हैं, हमारे नौजवानों के लिए बड़े मंसूबे हैं। मैंने ये कमाद की रेड़ियाँ जा रही थी, मैंने वो ऊँट वाली रेड़ी और एक वो बैल लेके जा रहा था, उस पर सिर्फ बैठ के इसलिए बताया कि यहाँ पर अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भी हो सकती थी लेकिन गुर्बत इतनी है कि गुर्बत की वजह से आप तो जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादा इधर ट्रैक्टर ट्रॉली है, बहुत बड़ी बड़ी, वो एक आधा ऊँट भी आ जाता है, गधा गाड़ी भी आ जाती है। नहीं, गधा गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, बैल लेके जा रहा है, ऊँट बहुत है, ऊँट लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स कम है। ये मुझे यहाँ बल्कि लगा कि ये इस इलाके की माली इस्तेआत इतनी नहीं है कि वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ चले जाए। इधर 35 साल से मिल लगी हुई है, वरना इधर कुछ भी नहीं था। जो तो ही साहब आप फरमाए जी, मैं आप दोनों के नारे मैंने काफी सुने हैं, ये मुझे नहीं पता कि बंदे आप इकट्ठे करके लाए हैं या वाकई आपकी जेन्युइन सपोर्ट मौजूद है, लेकिन नारे वारे आपके लगे हैं। पिछले 4-6 देहात जितनों से मैं घूम के आया हूँ, आप बताइए आप इलाके के लिए क्या करेंगे। मैं पिछली दफ़ा 37,000 वोट मैंने इधर से लिए थे, 400-500 वोटों से मैं हार गया था किसी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बलोचों में जो गांव है, 31 गांव है तांदलियाँ वाला में, और इनमें 25 में इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। और जीत के ये जो सड़कों की हालत है, तो पिछली दफ़ा जो भी इधर MP MNA रहे हैं उन्होंने तो कोई कुछ नहीं किया। हम इंशाल्लाह ताला अपने भाई को साथ ले कर चलेंगे और यहाँ से जीतेंगे। और इलाके की जो है सड़कें और सोलेंग और नाली और इसके अलावा हॉस्पिटल, तालीम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तांदला वाला शहर में सीवरेज मौजूद ही नहीं है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे को फिर वो गधा गाड़ी वाला आ गया। आप कुछ तो ऐसा करें कि ये जो फार्मर्स हैं इनको कुछ ट्रैक्टर्स के लिए कोई लोन स्कीम निकालें, यहाँ कोई स्कूल बनाएं, कोई एग्रीकल्चर के लिए उनको तालीम दें। बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर ये काम ये कर सकते हैं। इनकी फाउंडेशन भी है, एक जवाब दूँ, आपके पास एक फाउंडेशन भी है, आप उस फाउंडेशन से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी फाउंडेशन हुकूमत पाकिस्तान है। नदीम, फार्मर्स के लिए देखिए, फार्मर्स में पहले काम हम ये करेंगे, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि तमाम ट्यूब वेल्स के लिए एक निज़ाम के तहत सोलर काट देंगे। हम इधर वेयर हाउसिंग, स्टेट बैंक ने वेयर हाउसिंग की स्कीम शुरू कर दी है, जिधर फार्मर अपना जो फसल है वो स्टोर कर सकता है और अच्छे वक्त का इंतजार कर सकता है, और उस फसल जो स्टोर्ड है वेयर हाउस में स्टेट बैंक अप्रूव, उसको पाकिस्तानी बंकारी निज़ाम उसको कर्जा देगा। अब जैसे मक्की आपने देखी है जी, इस साल मक्की जो है वो रुल रहा है, फार्मर मक्की उठ नहीं रही। एक जगह दें साइड पर, वो देखें जी, वो ये वो एक मिनट कैमरामैन आगे लाना, ये जो मट्टी के ढेर के नीचे है ये इनकी स्टोरेज है। तो ये हमायूं साहब आप नहीं, ये जो पीला पड़ा ना ये मक्का ही है, ये पीला तो सोयाबीन पड़ा हुआ है, दरमियान में उन्होंने वो तूड़ी और पराली सारी जो अपनी मट्टी के ढेरों में प्रिजर्व की हुई है, आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनको स्टोरेज फैसिलिटीज दे के। देखें मैं इसीलिए मैं वेयर हाउसिंग की बात कर, जो फसल पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हो गई, जैसे मेज इस साल है, वो बाहर क्यों नहीं जा रहा, उस पर रुकावट नहीं है, लेकिन हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें। ज़र मुबादला जो आप पूरे दिन बैठ के टीवी पे बोलते हैं कि कमी है, वो उधर से आएगा, फार्मर की हालत बेहतर होगी। हमारी यूथ के बारे में बड़ी स्कीमें हैं, यूथ के IT की तालीम के इंस्टीट्यूशन हमने इधर बनाने हैं ताकि यूथ IT की तरफ। एक वादा तो करें ना, अख्तर अब्दुलरहमान फाउंडेशन के नीचे यहाँ आप ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे जहाँ एग्रीकल्चर की इनको तरबियत दें, ये काम तो आप वादा करें ना। जी जी, मैंने अख्तर अब्दुलरहमान शहीद ट्रस्ट के तहत हम आमतौर पर डिस्पेंसरियाँ खोलते हैं, दस्तकारी सेंटर खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ज़रूर गौर करेंगे। ज़रूर गौर करिए, खुश रहिए। Let's go.
सिकंदर जतोई ने पाना है। सिकंदर याद जतोई ने जी नंबरदार हूं देना है। हमाई अख्तर ने सिकंदर याद जतोई ने तांदलिया वाला के गांव 596 गावे में हम मौजूद हैं। आज थोड़ा सा यहां धुंधला है मौसम और बादल भी है, सर्दी है। यहां पे इन्होंने आग जलाई हुई है और इर्द गिर्द बैठे हैं, तो हमने सोचा कि इनसे पूछते हैं कि वोट किसको डालेंगे। भाई जी आप बताएं पहले, आपका नाम क्या है और बताइए किसको वोट देंगे। मेरा नाम मजहर अब्बास वल्ला राय जी, मैं यहाँ इस गाँव में रहता हूँ और हम इंशाल्लाह ताला अरसा दराज से नून लीग को पसंद करते हैं। क्यों देंगे नून को, क्यों वोट देंगे? क्या किया है नून ने, कोई काम किया है इलाके में? जी हमारे गांव में बिल्कुल खस्ता हालत थी। ये जो अभी आपके सामने पीसी लगी हुई है, ये जो हमारे रोड बन गए हैं, जो हमारे सोलंग लगे हैं, ये सब नून लीग ने अभी अभी लगवाए हैं। मैं तो अभी इस रोड से आया, मुझे तो रोड टूटी फूटी मिली है। गाड़ी नहीं नहीं नहीं, साफ रोड है, ये तो बेहतरीन रोड है सर। पहले इससे भी बुरी होगी? हाँ पहले बहुत बुरा हालात थे, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अब काफी बेहतर है। आप किसको वोट डालोगे? वोट है मैं नून लीग को डालूंगा। आप नून लीग को किसको वोट डालोगे? मैं तो अपने जमीर का वोट है मेरा, मैं तारिख अल्लाह बाई को वोट दूंगा। तो ठीक है, जोर से बोलो। ठीक है, तारिख अल्लाह बाई को वोट दूंगा मैं। वोट है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको डालोगे? इस्तेकामे पार्टी को, सरदार सिकंदर याद खान जतोई। और ऊपर से कौमी में हुमायूं अख्तर। हुमायूं को डालोगे? वोट है आपका भैया? जी वोट है लेकिन डालते नहीं। नाम क्या आपका? सुफैल। वोट किसको डालेंगे? जतोई को। जतोई किस पार्टी का? पार्टी का इस्तेमाल पार्टी। और ऊपर से हमाइयों को? हमाइयों को। नीचे से जतोई और ऊपर से हमाइयों को? नीचे से जतोई और ऊपर से हमाइयों को? जतोई का इंशाल्लाह। वोट है आपका? जी सर। किसको डालना है? सिकंदर याद खान जतोई बलोच। और ऊपर से कौमी का? जी सर। कौमी का माइयों को? जी सर। कौमी का माइयों को आपका भी वोट है जी? आप किसको वोट डालोगे? सरदार सिकंदर हयात जतोई साहब। और ऊपर से? हुमायूं अख्तर। सरदार सिकंदर हयात जतोई इंशाल्लाह। दूसरों की कोई वारी भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। इंशाल्लाह सरदार सिकंदर हयात जतोई, हम उनकी मोहब्बत में इंशाल्लाह। अल्लाह जिधर भी आए सिकंदर हयात जतोई, सिकंदर हयात जतोई, सिकंदर हयात जतोई। अल्लाह ही खैर करे, पूरे पाकिस्तान में मुझे इस्तेकामे पाकिस्तान के इतने सपोर्टर नहीं मिले जितना यहाँ 596 गावे में मिल गए। NA97 452 रमेशा, ये गांव है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। और अली गौर बलोच साहब PMLN के यहां कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, यहां काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। हमने यहां दाएं बाएं गांव से और लोगों से जो रद्दअमल देखा है और इनकी सपोर्ट देखी है, लगता ही है कि मुकाबला तगड़ा होगा। अली गौर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी शुक्रिया। बताइए कि इस इलाके के, मैंने काफ़ी सड़कें घूम के अभी आ रहा हूँ, मसाइल भी काफ़ी लगते हैं, गुर्बत है, काफ़ी पसमानदगी है, अगर आपको मुंतखब करते हैं लोग तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये NA97 जो है ये दो तहसीलों पर मुहित हल्का है। एक तांदलियाँ वाला तहसील जो कि 75% एरिया है, तकरीबन 30% के करीब एरिया है जो कि तहसील जड़ा वाला के गांव में। और अल्लाह के फजल व करम से जो 2018 का इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन भी हमने यहाँ से जीता और उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि उस इलेक्शन में ज़िमनी में चला गया था इलेक्शन से 4-5 दिन पहले एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, लेकिन हमारी मुखालिफ हुकूमतें बन चुकी थी वफाक में भी और सूबे में भी। इसके बावजूद भारी अक्सरियत से हमने कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स ज़िमनी इलेक्शन में जीती। और एक्चुअली ये जो हल्का ये वालेहाना प्यार मोहब्बत करता है मियां नवाज शरीफ साहब से और PMLN से, और यही वजह है कि ये वाहिद हल्का है कि जिसके नीचे उस वक्त 4 सीट्स आती थी सूबाई असम्बली की, जिनमें से 3 सीट्स PMLN ने विन की और ज़िमनी इलेक्शन में भी जो है वो NA में भी कामयाब हुए। लेकिन पसमानदगी की बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से पसमानदा इलाका नहीं है। इसके बिल्कुल साथ जो है
सी पैक का प्रोजेक्ट गुजर रहा है, मोटरवे जो कराची लाहौर से कराची तक जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस हैं बड़े कस्बों में, ख़वातीन के कॉलेजेस मौजूद हैं। हमारा जो THQ हॉस्पिटल है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर जो है उसका मतलब है कि काफ़ी नया ब्लॉक बनाया। अली साहब, मैंने 2-3 घंटे तकरीबन आपका पूरा हल्का ही घूम लिया। मकई लोगों की खेतों के अंदर पड़ी हुई है, स्टोरेज के लिए कोई फैसिलिटी विलिटी कोई नहीं है। वो जो जानवरों का चारा वारा है वो मट्टी के बना के हमसे उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आप वफाक से और सूबाई हुकूमत से मदद लेकर उनको कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में मदद कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी में मदद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं। इस तरह के सवाल मेरे जहन में आते हैं, कुछ ऐसा है जहन में आपके? देखें, बात यह है कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मक्की की रेट वैसे कम है। अगर मक्की की रेट ज़्यादा हो तो आपको पता है कि किसान ज़्यादा देर फसल अपने खेतों में नहीं रखता और वो फरोख्त कर देते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ज़िम्मेदार लोग हैं, छोटे ग्रोअर ज़्यादा हैं, उनको पैसे की अशद ज़रूरत होती है। अगली क्रॉप के लिए भी उन्होंने खाद लेनी है, अपने अखराजात चलाने हैं उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेट कम होने की वजह से ये मसला है। अगर रेट, हाँ अलबत्ता यहाँ पर आलू भी काश्त होता है, गन्ना भी काश्त होता है, उसके स्टोरेज के लिए जो है वो मतलब है कि आलू के लिए तो हैं वो कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह हैं, लेकिन मक्की जो है ये फसल वैसे लोग अपने घरों में भी स्टॉक कर रहे हैं। इसको खुश करना पड़ता है, वेदर के लिहाज से जब खुश्क हो जाए तो ये फिर उन अपने घरों में ये लोग स्टॉक कर लेते हैं। आप यहाँ तगड़े उम्मीदवार लगते हैं, बजाय मेरा तासर अभी यही है। आठ फरवरी के लिए आपकी क्या तवक्कुआत है? हुमायूं अख्तर खान पहले लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, इस दफ़ा इस हल्के में आपको लगता है कोई तगड़ा मुकाबला होगा? देखिए, हुमायूं अख्तर साहब आए हैं मुकाबले में, चार दफ़ा हुमायूं साहब ने अपनी पार्टीज तब्दील की हैं, और लाहौर से किस्मत आजमाई के बाद, वहाँ से नाकामी की बाद उन्होंने यहाँ का रुख किया है। उनकी एक शुगर मिल है यहाँ पर, पिछले 30 साल से वो ज़िम्मेदारों का माजरत के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं, लोगों की फसलों की कटौती लगाते हैं, एक एक साल पेमेंट्स की अदायगी नहीं करते। अब जो लोग पेमेंट्स मांगते हैं उनसे ये डिमांड करते हैं कि हम 20% कटौती करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। मैंने लास्ट ईयर, मैं खुद ग्रोअर हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्शन की जंग है वो किसानों और एक सरमायादार के दरमियान है, जो कि अरसा दराज से इस्तेसाल कर रहे हैं। वो इधर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने नहीं आए, इलेक्शन खरीदने के लिए आए हैं इस साल के। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, इस दफ़ा लगता यह है कि बहुत डिवाइडेड मैंडेट होगा, बहुत सी जमातें हैं, जैसे PDM की हुकूमत थी, अगर ऐसी हुकूमत हुई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। नून लीग क्या सोचते हैं, सादा अक्सरियत के करीब पहुँच सकती है? जी देखें, पंजाब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब का बिलखसूस भरपूर साथ दिया है KP के, और इस दफ़ा तो हमें सिंध से भी उम्मीद है हम सीट्स लेंगे। मेरा ख्याल है कि PMLN जो है इन इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी, और 8 फरवरी का सूरज ना सिर्फ NA 97 से बल्कि पूरे पाकिस्तान में PMLN की जो है वो कामयाबी की और पाकिस्तान की मईशत की बहाली का ख़बर लेकर जो है उसकी किरणें जो है ना वो 8 फरवरी की इंशाल्लाह तलू होंगी। अली गौर साहब, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना रैली से एड्रेस करें, लोग आपके मुंतजर हैं। आपका शुक्रिया आपने हमें। मुझे तो ये डंडा, मैं बजाऊंगा ये, ऐसे ही बजा सकता हूँ मैं, ठीक है। वो डालेंगे जी, किसको डालेंगे? PTI आप? नवाज शरीफ को आप नवाज शरीफ को डालेंगे? आपका इमरान खान जिंदाबाद। आप किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को डालोगे? इमरान खान जी। आप किसको डालोगे? हम किसी को नहीं वोट डालेंगे, हम डालेंगे नहीं किसी को वोट। नवाज शरीफ को? इमरान खान। वोट PTI का। आप बताओ वोट किसका है? वोट PTI का। पक्की बात? पक्की गल। सर वोट नून लीग का। नून लीग का जी, इंशाल्लाह। नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं? नून लीग को इसलिए वोट दे रहे हैं कि नून लीग नवाज शरीफ तरक्याती काम करते हैं,
और उनके जौन सा है दौर में महंगाई को उन्होंने काबू किया है, ठीक हो गया। तरीके इंसाफ का वोट पक्का है जी, भावे ये तो कह रहे पता नहीं केड़े, मैनू नहीं लगता सिर्फ वो रोडा की वजह नाल ही कारण के रोड बन गए ने, रोड बनाए। हाँ रोड वो जेडे नवाज शरीफ के आज तो 75 साल पहले बने, साढ़े जमन तो भी पहले, उन्होंने वजह ना वोट उन्होंने वा। इन्हों यही पूछ लो भी आ जी 16 महीने हुकूमत हुई है, 12 महीने इमरान खान सी सानू लै के बह गया, 16 महीने इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, वोट डालेंगे नवाज शरीफ साहब जनाब। जी जी सर नू लीग इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेर नू पावांगे, शेर नू तुसी किन्नू वोट पा रहे जनाब, शेर साहब नू पावांगे जनाब, उन्हां दे दौर दे इकट्ठे कीते हुण कड़ कड़ के खांडे आ। अच्छा हां जी उन्हां दे दौर दे जिहड़े इकट्ठे कीते होए सी, पक्की गल लै इह तों पक्की होर कड़ी होणी है, आप वोट डालेंगे? हां जी किसे डालेंगे? पीटीआई को। रीज़न ये है कि मतलब सारी जो मतलब हमारी एक नौजवान जो है एक इमरान खान का वो सब पे क्रश है। इमरान खान आपका फेवरेट है, फिर ठीक है, और आप किसको वोट डालोगे? नवाज शरीफ। आप क्यों नवाज शरीफ को डालोगे यार, सवारी पीटीआई की बंदा ड्राइवर जो है वो शेर का, ये क्या हो गया? शेर को वोट डालो। शेर को वोट देंगे हम, वो तरक्की बहुत ज्यादा तरक्की मुल्क की उनके हाथ में है जी सर, हम इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे जी, अस्सलाम डालेंगे, हाँ जी डालेंगे, मियां नवाज शरीफ को डालेंगे, क्यों सानू अच्छा है लीडर, आप वोट डालेंगे? नून लीग पर, नून लीग को डालेंगे जी सर, आगे आए आप वोट डालेंगे किसको? पीटीआई को। पीटीआई को डालेंगे आप? पीटीआई। आप पीटीआई को डालेंगे? क्यों डालेंगे पीटीआई? आप वोट डालेंगे पीटीआई? आप तरीके इंसाफ को डालेंगे? क्यों डालेंगे तरीके? बस मर्जी सर। तलाल चौधरी साहब जनाब, हम बाजार से गुजर के आए हैं, काफी सपोर्ट मौजूद है आपकी, लेकिन आपकी पार्टी ने अभी फैसला करना है कि तलाल चौधरी है कि कोई और है। देखिए ये सिर्फ कोई टिकट की बात नहीं है, मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के लिए, फर्क पता चलना चाहिए कि ये मुल्क में सियासत दागदार करेंगे या वफादार करेंगे। मैं एक मिडिल क्लास से तलक रखता हूँ और मिडिल क्लास के लोग हमेशा उन्हें एफर्ट करनी पड़ती है, मैं ना किसी बड़े पीर का बेटा हूँ, ना किसी सरमायादार का बेटा हूँ, ना जागीरदार का, मैंने सियासत में जगह इन कारकुनों की वजह से इनके वोट से और अपनी जिद्दोजहद से बनाई है, फैसला पार्टी ने करना है कि वफादार चाहिए या दागदार। आप नाहल क्यों हुए थे? आपको पता है मैं नाहल? आपने ज़बानी बताया था कि पता चल जाए, याद आ जाए। मैं बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। उसकी सजा मिली थी? बिल्कुल सिर्फ एक नहीं। तो आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ को उस चीज का लिहाज रखना चाहिए, एनए 96 की टिकट फाइल? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की हर पार्टी में ये को ख्याल रखना चाहिए, और ये जो पार्टियों में ये जो रिवाज है ये कायदे आजम से शुरू हुए हैं, ये लोग ये चूहे की तरह आते हैं पार्टियों में, घुसते हैं पार्टियों में, सुराख करते हैं, उन्हीं पार्टियों को डुबोते हैं, और इनका ज़मीर हर 3.5 साल बाद जागना ही जागना होता है, कोई भी आगे हो। सो ये हैबिचुअल हैं, लेकिन सियासी कारकुनों की मैं समझता हूँ कि मैं आज अगर खड़ा हूँ
तो मैं हर उस सियासी कारकुन को लेकर खड़ा हूँ जो अपनी पार्टियों के साथ खड़े होकर मुश्किल हालात में खड़े होते हैं और पार्टियां अच्छे हालात में कई दफा फैसले। आपने 96 के अलावा कहीं कागज नहीं जमा कराए? जी नहीं नहीं, मैं है ही 96 अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ की बाद सियासी कारकुन हूँ। अगर अगर जमात ने फैसला कोई और किया तो फिर आप क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए मेरी किताब में वो सफा ही नहीं है कि ये फैसला ना हो। अगर ऐसा हुआ तो देखिए मैंने कहा आप खड़े रहेंगे कि बैठ जाएंगे? देखिए मेरी किताब में तो ये सफा ही नहीं है और देखिए 96 में कागज इलेक्शन लड़ने के लिए जमा कराए हैं ना? डेफिनेटली जो भी सूरत हो आप इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे पूरी यकीन है मियां नवाज शरीफ जब तक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नून जो है ये वफा की कारकुनों की साथियों की निशानी है। नीचे सुबाई के आपके फाइनल हुए हैं कि नहीं हुए? जी नहीं जी, जब देखिए ये तो अभी प्रोसेस चल रहा है और आज भी मीटिंग चल रही हैं और उसके बाद ये पहले नेशनल असेंबली और फिर बाकी चीज़ें फाइनल होंगी। कब तक फैसला हो जाएगा? मेरा ख्याल हो जाना चाहिए फैसला, और वैसे तो इस टिकट पे तो अब हम ही नहीं होना चाहिए। पक्की बात है आपकी? ये तो वो सीट आप पूरे उम्मीद है आपकी मलिक साहब? ये तो वो सीट है, आपको लेके बाजार में चलूं? मैं कह रहा हूँ मुझे आप लेके चलें। ये सारे जो है ना, ये कोई रेडी वाला है, कोई दुकान वाला है, आगे को चलाते हैं कोई बाजार इधर को नारे काम करो ना यार, एक नारे नारे काम करो, नारे काम करो, एक मिनट तक नारे काम करो, नारे काम करो, अच्छा मुझे एक लगता है कि मरियम के नारे लगाए इन्होंने, नवाज शरीफ के लगाए, शहबाज शरीफ का नारा नहीं लगाया। पकड़ लिया मैंने मेरे से लेके और शहबाज शरीफ तक अगर सिर्फ नवाज शरीफ का नारा लग जाए तो सबका नारा लग जाता। नहीं कोई वजह है? नहीं कोई वजह है नहीं। जिस तरह मैं सियासी कारकुन हूँ, नवाज शरीफ का वो सदर है और सारे हम एक ही नारा लगाते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ। एक सवाल और बता दें, पीटीआई के बंदे ही नहीं रहे, उठा लिए गए, कागज जमा कराते हैं भाग जाते हैं, ये खुशाइन सूरत हाल है? देखिए मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने किसी पे कोई इतराज फाइल नहीं किया और मैं मैदान में लड़ने वाला आदमी हूँ और हम समझते हैं पीटीआई मैदान में रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए, रहनी ये चाहिए। ये क्या इलेक्शन हुआ कि मैदान में ना 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 जीत हो या हार हो, सियासत में गली मोहल्ले का फैसला होना चाहिए, मुकाबला वोट से होना चाहिए, वोट से होना चाहिए, बंदे उठा के नहीं होना चाहिए। ना ना ना, मैं और मेरी तरफ से हमने किसी पे कोई इतराज फाइल नहीं किया और ना करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए। Thank you.
नवाब शेर वसीर साहब, सर आप ये बताइए कि मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है इस हल्के के अंदर, नून लीग और नून लीग पीटीआई आई कोई नहीं मैदान में? ऐसा भी कोई आवाज़ नहीं है, नून लीग मौजूद है इंशाल्लाह और हमारी पार्टी बड़ी मजबूत है और हम इत्तेफाक से इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी की हिदायत के मुताबिक लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीट माजी की तरह भी हम कोशिश करेंगे जीत कर मियां नवाज शरीफ को। 2018 में कितने मार्जिन से जीते थे आप? मेरा कुछ तकरीबन 12 से 15 हज़ार। 12 से 15 हज़ार, आप तगड़े आदमी हैं, आप मजबूत हैं, आप उस वक्त भी आए थे, लेकिन इस दफा सूरत हाल बड़ी मजे की है, पार्टी ने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया, कब तक करेंगे? ये तो पार्टी का काम है, हो जाएगा फाइनलाइज, कोई ऐसी चीज़। अगर इस हल्के से मुंतखब करते हैं 96 का टिकट आपको देते हैं तो इस हल्के के आवाम के लिए क्या करेंगे? मैंने आवाम के लिए हमेशा खिदमत की है, खिदमत ही मेरी है। इस जड़ा वाला में आप फिरें, गलियों में जाएं, बल्लों में देखें, जहाँ भी आप जाएंगे, आप नहर को क्रॉस करें तो पुल देखेंगे, आप पार्कों में जाएंगे तो पार्क देखेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे वहाँ पे आपको टायर टफ टायर सड़कें गलियाँ महल सुई गैस और गरीबों के घरों में जाएं, नौकरियाँ हमने बांटी हैं और इसीलिए तो मैं 5 दफ़ा असम्बली में गया हूँ और लोग मेरे साथ प्यार करते हैं और मैं लोगों से प्यार करता हूँ, मेरा अपना हल्का है। कोई हल्के के लिए कोई तालीमी अदारा, कोई बड़ा कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसा भी वादा करेंगे अगर कौमी असम्बली के आप रुकन मुंतखब हो? मेरा सबसे बड़ा जो इशू है जिससे मेरी इमरान खान से भी बिगाड़ा पैदा हुआ वो है जड़ांवाला को ज़िला बनाना। जड़ांवाला इस वक्त 22 ज़िलों से ज़्यादा आबादी की तहसील है और हमारे मसाइल दब के रह गए हैं, हमारे पास DHQ नहीं है, हमारे पास यहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, तो यही हमारा ख्वाब है कि हमारा ज़िला बने और ये चीज़ें हम फराम करें यहाँ जड़ा। आप यहाँ वादा करते हैं कि अगर इस हल्के के अवाम ने आपको मुंतखब किया तो आप ये सारी चीज़ें जो आपने अभी गिनवाई हैं बनवा के देंगे? सर मेरा वादा ही नहीं है, मेरी कमिटमेंट है और मैं सियासत ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस इलाके को तरक्की देनी है, मैं इसका ज़मीन का बच्चा हूँ, मैं यहाँ पैदा हूँ और यहाँ मैं गलियों में खेल के इस मिट्टी को अपने सीने से लगा कर सियासत करता हूँ। 8 फरवरी को क्या नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? हम समझते हैं कि नून लीग इंशाल्लाह इस दफा 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी और मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आम पास। मेरा जो दो माटो है ना जी, यहाँ पे जिला का अजरा और एक्सप्रेस वे जो बहावल नगर से आकर उकाड़े से लाहौर जाती है वो सैयद वाला से जड़ा वाला होकर इस्लामाबाद बरास्ता साइयां वाला, ये दो मेरे मेन एम है। आखिरी सवाल है, PTI के बंदे उठाए जा रहे हैं तो ऐसे मैच का क्या मजा आएगा कि दूसरी टीम नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे हम मुकाबला करेंगे, हम तो उनको दावत देते हैं कि आए मैदान में लड़े, अगर आपने की कारकर्दगी मैदान में आए तो उठा लिए जाएंगे। नहीं हम नहीं उठाने देते, इधर कोई भी ऐसा नहीं है। आप खुश रहिए, हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, अच्छा मुकाबला करिए और आपकी इलेक्शन के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, 8 फरवरी को इंतखाब हो फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे आपके इलाके में। अंदर तो आइए, खुश रहिए। Oh, 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 oh